गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आप लोग का अड्डा 24x7 बिहार में। जैसा कि पता है हम लोग घड़ी में 9 बज चुके हैं और हम लोग की इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हो रही है। लगातार मैं आपको समिट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा हूँ, समिट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं एग्जाम में, है ना। तो जल्दी सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग की क्लास शुरू हो सके। कोई बच्चे आ चुके हैं, राकेश आ चुके हैं, सौम्या, अपन्ना, साक्षी, सत्यम, पूजा, मीसा, अनन्या, निधि कुमारी, है ना। बहुत बढ़िया, जो पढ़ जो जगेगा सुबह पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, है ना। बाकी स्टूडेंट तो बहुत है मार्केट में, भीड़ बहुत है, उस भीड़ से अलग हटके कब आगे आप लोग चलेंगे, जब आपकी आप सुबह उठेंगे और अपनी क्लास को अच्छे से करेंगे। मीनाक्षी भी आ गई है, चलिए ठीक है, जो जो आ चुके हैं सब बढ़िया है। देखिए मैं लगातार एक सीरीज चला रहा हूँ बच्चों, किस चीज की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। जैसे मैं आपको G20 पढ़ा चुका हूँ, है ना, G20 पढ़ चुके आप, जिसका भी छूट गया वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पर्टिकुलर किसी एग्जामिनेशन के लिए नहीं होता है। चाहे वो आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे आप SSC का एग्जाम दीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, वहां पे यहाँ क्वेश्चन आएंगे। जैसे G20 समिट्स हो गए, SAS पढ़ा चुके हैं ना, सॉरी SAS आज पढ़ाना है, उसके बाद आपको ब्रिक्स पढ़ा चुके हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, ब्रिक्स पढ़ा चुके हैं आपको, उसके बाद आसियान पढ़ा चुके हैं, आसियान, है ना, आसियान जिसका छोटा होगा वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद और हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बताइए एक बार, ब्रिक्स पढ़ चुके हैं, आसियान पढ़ चुके हैं, G20 पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद SCO, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, SCO भी पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सार्स। क्या पढ़ेंगे? सार्स। लोग सोच रहे हैं सार्क क्यों पढ़ा रहे सर, दिस इज नॉट सार्क, दिस इज सार्स, है ना। क्या होता है सार्स समझिएगा, इसको अगर हिंदी में कहें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, है ना। आप बिम्स्टेक भी पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बताई पूजा शर्मा ने, बिम्स्टेक भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? बिम्स्टेक। जिसका भी छूट गया कृपया कर क्लास कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पढ़ाया है बिम्स्टेक, है ना। अच्छा, इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने पढ़ाए हैं, है ना, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने पढ़ाए हैं, बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं ना, जिसका भी छूट गया वो देख लीजिएगा। इतने इतने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे सार्स, तो सार्स का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको कहते हैं सार्स, को इंग्लिश में कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। पहले तो ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म ही दे देगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें जो कंट्री है बच्चों, अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने कंट्री बच्चों? 8 कंट्री इसमें अभी शामिल है ना। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से कौन सा कंट्री शामिल है या कौन सा कंट्री शामिल नहीं है, है ना। ये सास का नाम से पता चल रहा है बच्चों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अगर हम थोड़ा सा देखें, जैसे देखिए यह जो पार्ट है साउथ एशियन, देखिए ये जो पार्ट है, कल बताए थे बच्चों आपको, कल आसियान जब बताए थे, आसियान जब बताए थे, है ना, आसियान जब बताए थे, जब कल आपको आसियान बताया था, आसियान का मिनी, है ना, मिनी आसियान किसको कहते थे? मिनी आसियान सार्स को, सॉरी, या देख लीजिए बच्चों, देखिए सार्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सार्स पढ़ रहे हैं, और आसियान को हम लोग मिनी सार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी सार्स कहते हैं। क्यों कहते मिनी सार्स? इसको मिनी सार्स कहने का कारण क्या था? ये भी उसी तरह से मैक्सिमम कंट्री दोनों में शामिल है, जो आसियान में शामिल है वही सार्स में मैक्सिमम कंट्री शामिल होंगे, कुछ अंतर होगा, है ना, इसलिए इसको मिनी कंस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी, है ना। हाँ, अगला सुनिएगा ध्यान से, और भी चीज सुनिएगा ध्यान से। अब क्या है, हाँ वही बिम्स्टेक में, चलिए ठीक है। देखिए बच्चों होता क्या है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज शामिल है, इन कंट्रियों को हम लोग मिला देते हैं, और ये कंट्री क्या करते हैं कि कॉलिब्रेशन करते हैं। क्या कॉलिब्रेशन करते हैं? हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? फ्री ट्रेड, मतलब कंट्रियों में आपस में, हाँ समझ गया,
बिम्स्टेक को कहते हैं, ठीक है कर लिया सही। तो क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेड को व्यापार के लिए, है ना, व्यापार के लिए क्या करते हैं बच्चों, व्यापार के लिए यहाँ पे, हाँ कल, अरे सही कर लेगा, बिम्स्टेक को, है ना, उल्टा लिखा गया था, बिम्स्टेक को हम लोग कहते हैं मिनी आसियान, ठीक है, मिनी मिनी आसी मिनी सार्स, है ना, मिनी सार्स, ठीक है। हाँ ठीक है पूजा शर्मा, सब लोग सुन लीजिए एक बार, बिम्स्टेक को मिनी सार कहेंगे, बिम्स्टेक को मिनी सार कहेंगे, है उल्टा लिखा गया था वहां पे, ठीक, हो जाता है, मैं भी इंसान हूं, कभी कभी लिखने में हो जाती है गलतियां, ठीक, सही कर लीजिएगा, एक करेक्शन है, सही कर लीजिएगा। अब सुनिए बच्चों, ये जो 8 कंट्रीज हैं, इन 8 कंट्रीज में लगभग पूरे दुनिया की 3% जनसंख्या रहती है, क्या रहती है, 3% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन, 3% जनसंख्या इसी में रहती है। उसके बाद अगर बात करें तो ये 4.2% क्या करती है बच्चों, ग्लोबल इकोनॉमी संभालती है, क्या करती है, ग्लोबल इकोनॉमी संभालती है। देखिए आप लोग क्या है ना, जीएस में क्या है कि जीएस में भंडार है ना, मेरा खोपड़ी के अंदर सब रहता है, सार्स भी रहता है ना, बिम्स्टेक भी रहता है, आसियान भी रहता है, G20 भी रहता है, तो कभी कभी क्या होता है सब मिलकर खेड़ी बना लेता है ना, तो मुझे सब याद रखना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है ना, जीएस एक ऐसा चीज है, ये एक समुद्र है ना, लिखा जाता है, ठीक, बिम्स्टेक को ही कहते हैं मिनी मिनी सार्स, है ना, याद रखिएगा, ऊपर सुबह सुबह क्लास है ना, चलिए हो जाता है, ठीक है बच्चों, 3% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 4.2 ग्लोबल इकोनॉमी को संभालेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, सुनिएगा ध्यान बच्चों, इसका फाउंडेशन हुआ था, इसको फाउंड किया गया था, है ना, फाउंडेशन डे बोलेंगे तो ढाका, कहाँ होगा बच्चों, इसका इसका जो हेडक्वार्टर है ढाका, ढाका में इसको, मतलब इसको ढाका में खोजा गया, मतलब ढाका में इसका संस्थापन किया गया, कब, 8 दिसंबर, 8 दिसंबर 1985 को, है ना, मतलब 8 दिसंबर 1985 को इसको खोजा गया था, कहां पे बच्चों, ढाका में, कब खोजा गया था, 8 दिसंबर 1985 को, है ना, ढाका में एक मीटिंग हुई थी, ढाका कहाँ है बच्चों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, है ना, कहाँ की बच्चों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जहां पे इसकी स्थापना की गई थी, खोजी गई थी, है ना, कब, 8 दिसंबर 1985 को, याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को इसकी खोजी गई थी ना, याद रखिएगा, ठीक। अब क्या हो, कैसे स्थापना हुआ, एक चीज और समझिएगा, देखिए बच्चों, जब 8 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई, कहां पे, ढाका में, कहां की गई बच्चों, ढाका में की गई, और 7 से 8 दिसंबर 1985 के बीच इसको होस्ट, मतलब ढाका में जब होस्ट किए, इसके प्रतिनिधित्व किए थे, क्योंकि बांग्लादेश में हुआ था, तो बांग्लादेश सरकार को इसका क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो बांग्लादेश सरकार ने, बांग्लादेश सरकार के तरफ से वहां के राष्ट्रपति थे हुसैन अरशद, कौन थे बच्चों, हुसैन अरशद, जिन्होंने इसकी अगुवाई किए थे, और यहाँ पे किंग ऑफ भूटान, इसमें डिक्लेरेशन साइन किए थे कौन, किंग ऑफ भूटान, जिसमें नाम था जिग्मे सिंगे वांगचुक, है ना, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जय उल हक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे राजीव गांधी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएस में बना था, है ना, सुनिए ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि जिस समय सार्स बनाया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा गया था जिस समय सार्क का स्थापना हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जिस समय सार्क की स्थापना हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, कौन थे बच्चों, राजीव गांधी थे। फिर किंग ऑफ नेपाल कौन थे, बीरेंद्र शाह, कौन थे, बीरेंद्र शाह। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन थे, जे आर जयवर्धने, है ना, और प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव थे ममऊ गांव, कौन थे बच्चों, ममऊ गांव, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ही दिख रहा होगा बच्चों, है ना, 7 ही दिख रहा होगा, है ना, बाद में इसमें कंट्रीज को और को शामिल किया गया और कंट्री शामिल आगे में आएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब सार्स की स्थापना हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, सार्स की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, राजीव गांधी थे, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगला एक बात और सुन लीजिएगा ध्यान से, एक बात और सुनिएगा, अगर पूछेगा इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, इसका फाउंडेशन तो ढाका में हुआ था लेकिन अगर पूछेगा सार्स का सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट कहाँ है बच्चों, तो इसका सेक्रेटेरिएट जो होगा वो होगा काठमांडू में, कहाँ है बच्चों, काठमांडू में, क्लियर, इसका सेक्रेटेरिएट काठमांडू में होगा, है ना, काठमांडू कहाँ है बच्चों, नेपाल में, इसका सेक्रेटेरिएट जो काठमांडू में होगा नेपाल में है, और
और इसके जो वो कौन कौन थे वहां के, अभी कब कब स्थापना किया गया था, कब स्थापना किया गया था, 16 जनवरी 1987 को, है ना, याद किया, 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में इसका सेक्रेटेरिएट का स्थापना किया गया। तो दोनों में अलग बात है बच्चों, खोज किया गया था कहाँ पे, खोज किया गया था बांग्लादेश, ये ढाका में बांग्लादेश में, और सेक्रेटेरिएट जो है काठमांडू में है। क्लियर, 8 कंट्रीज शामिल है, ये देख चुके हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना, ये 8 कंट्रीज इसमें शामिल है। अगला सुनिए बच्चों ध्यान से, ये 8 कंट्री के साथ साथ कुछ कंट्रीज ने कहा कि हमें भी इंटरेस्ट है इसमें शामिल होने के लिए, तो ऑब्जर्वर कंट्री, सुनिएगा ध्यान बच्चों, कुछ ऑब्जर्वर कंट्री को भी रखा गया। तो यहां लिखता हूं बच्चों, देखिए ध्यान से, कुछ ऑब्जर्वर कंट्री को रखा गया, तो ये एग्जाम में पूछता है ना। अच्छा, ऑब्जर्वर कंट्री क्यों होते हैं, किसी को तुरंत क्यों शामिल नहीं किया जाता है, कारण है कोई कंट्री अगर आए और तुरंत अपना दबदबा बना ले तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो इसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्री है, क्या बच्चों, ऑब्जर्वर कंट्री है। ऑब्जर्वर कंट्री में सुनिए, आपको खतरनाक नाम है बच्चों, एक है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी इंटरेस्ट दिखाया है कि इसमें हम शामिल होंगे। दूसरा कौन है बच्चों, चाइना, चाइना भी इंटरेस्ट दिखाया है कि हमको इसमें शामिल होना है। उसके बाद है यूरोपियन यूनियन, कौन है, यूरोपियन यूनियन, यह भी इंटरेस्ट दिखाया हम इसमें शामिल होंगे। उसके बाद है मॉरिशस, कौन है बच्चों, मॉरिशस, है ना, मॉरिशस भी इंटरेस्ट दिखाया हमको शामिल होना है। क्लियर, उसके बाद म्यांमार, है ना, उसके बाद साउथ कोरिया, बच्चों साउथ कोरिया भी इंटरेस्ट दिखाया है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, यूएस, कितना खतरनाक बात है बच्चों, है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि चाइना ने भी इंटरेस्ट दिखाया। एक और है बच्चों ईरान, एक और कौन है, ईरान, ईरान ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। देखिए चाइना का मेन दिमाग क्यों लगा रहा है चाइना, क्योंकि ये साउथ एशियन एसोसिएशन है, और इन लोग जो है साउथ एशियन एसोसिएशन जो है ना, किया क्या है बच्चों, साउथ एशियन ये लोग आपस में कोलैबोरेशन कर लिए कि हम लोग भी व्यापार में मतलब ट्रेड में बहुत योगदान करेंगे, कहीं भी ट्रेड डिस्प्यूट नहीं होने देंगे। अगर मान लीजिए कहीं से बांग्लादेश से कोई सामान इंडिया आ रहा है, इंडिया से कोई सामान बांग्लादेश जा रहा है, तो उसमें हम अच्छे से सहयोग करेंगे, है ना। इस बात को चाइना पकड़ लिया, चाइना क्या सोचा कि अच्छा मौका मिल रहा है साउथ एशियन कंट्रीज पे अपना हुकूमत दिखाने के लिए, क्योंकि चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत अधिक ऊपर है, तो चाइना और इंडिया में बनता नहीं है। आप अक्सर सुनते हैं दिवाली के समय में क्या होता है कि हम लोग के दिल में एक देश भावना जगती है, और हम लोग कहते हैं हम लोग इस बार चाइनीज फ्लाइट को बहिष्कार करेंगे, है ना। यूनाइटेड स्टेट भी है, सबसे अच्छी बात बच्चों पूजा शर्मा, यूनाइटेड स्टेट भी है, तो हम लोग के दिल में जगता है, तो चाइना का बहिष्कार अक्सर आप लोग कर देते होंगे, है ना। अगर चाइना का बहिष्कार करते हैं दिवाली में हम लोग दीपक जलाएंगे, ना कि दिवाली में लाइट जलाएंगे, तो इस तरह का कांड जो करते हैं। अगर चाइना सास का सहयोग, ये क्या सदस्य बन जाएगा, सास का सदस्य बनेगा, तो सास का मेन एजेंडा ही होगा क्या कि फ्री ट्रेड को मतलब आपस में ट्रेड को बढ़ावा देना। अगर चाइना को रोकेंगे तो तुरंत सास में यह बात उठाएंगे और सास में हल्ला करने लगेंगे, है ना। तो सार्स जो है अभी बच्चों क्या है, सार्स अभी परमानेंट मेंबर नहीं है, ये चाइना का परमानेंट, चाइना जो है सार्स का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश कर रहा है ना कि परमानेंट मेंबर बन जाए, है। जैसे यूरोपियन यूनियन परमानेंट, ये 2006 से बच्चों, यूरोपियन यूनियन जो है 2006 से ऑब्जर्वर कंट्री में है, कब से, 2006 से। क्लियर, उसके बाद मॉरिशस जो है बच्चों, ये रिक्वेस्ट किया है बच्चों, ये क्या बोलते हैं, ये भी मॉरिशस भी है 2007 से लगभग, है ना। म्यांमार जो है बच्चों, यह 2006 से है, और म्यांमार रिक्वेस्ट किया बच्चों कि मुझे परमानेंट कर दो, है ना। अभी देखिए ऑब्जर्वर होने के बाद भी कंट्री रिक्वेस्ट करता है कि हम ऑब्जर्वर के लिस्ट में बहुत दिनों से हैं, अब हमको परमानेंट कर दो। तो मॉरिस म्यांमार भी परमानेंट करने का कोशिश किया है, साउथ कोरिया भी रिक्वेस्ट किया है 2006 में, इसको डाले हैं हम लोग, है ना, क्या ऑब्जर्वर में, और यूनाइटेड स्टेट को भी 2006 से डाले हैं बच्चों, चाइना को भी हम लोग डाले हैं, है ना, चाइना को भी डाले हैं। तो बहुत खतरनाक कंट्री है बच्चों, ये लोग क्या है ऑब्जर्वर के लिस्ट में है। और देखिए बच्चों बहुत खतरनाक बात है, सार्स में अगर चाइना एंट्री मार दिया तो फिर वो सबसे बड़ा है। अभी अभी जो कंट्री जितने देख रहे हैं आप, इन सारे कंट्री में सबसे बड़ी कंट्री कौन, इंडिया है, जिसका जिसका जीडीपी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इंडिया का दबदबा होता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा फंड देती है। कल देखा है 32% बिम्स्टेक में फंड जो है, मतलब बिम्स्टेक को चलाने के लिए 32% जो खर्च होती है वो भारत अपनाती है ना। उसी तरह से यहाँ पे जो 8 कंट्रीज है, ये भारत सबसे शक्तिशाली है, जब चाइना घुस जाएगा तो हमें परेशान करने लगेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों,
हुआ क्या था, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, किसे, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक को मार दिए थे। तो उस सास का सम्मेलन पाकिस्तान में होने वाला था, तो हमारे भारतीय, हमारे जो इंडिया है, सभी कंट्रीज को गुजारिश किए कि आप कृपया इस बार सास जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें मत जाइए। तो सारे कंट्रीज ने इंडिया का साथ दिया था, अगर चाइना घुस जाता चाइना साथ नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि मेन सीबीएस वगैरह लिखने दे देगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सास इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इन द वर्ल्ड, है ना, सास के बारे में क्या सोचते हैं आप राजनीति के तहत दुनिया में शांति या फिर व्यापार संगठन के साथ, है ना। इस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखने दे देगा कि क्या चाइना को, है ना, सास के सास में शामिल करना चाहिए, इस पे अपनी राय दीजिए। इस टाइप के मेन सारे पेपर आते हैं, क्लियर। लेकिन चाइना बच्चों ऑब्जर्वर में है ना, चाइना अभी ऑब्जर्वर में है, और नेपाल जो है चाइना का बहुत योगदान है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, तो जितने भी एशियाई संगठन है जैसे बिमस्टेक हो गया, सास हो गया, आईसीएससीए हो गया, इसलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं हम, क्या कि आप याद करते रहिए, समझते रहिए। एक चीज और सुन लीजिए बच्चों, एक चीज और सुन लीजिए कि ये जो कंट्रीज शामिल हुए उसके बाद कुछ कंट्रीज ने ये भी कहे, क्या कहे, कि हमें क्या करो ऑब्जर्वर में शामिल कर लो। कुछ कंट्रीज ऑब्जर्वर, कुछ कंट्रीज परमानेंट है, परमानेंट 8 कंट्रीज है, ऑब्जर्वर में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ऑब्जर्वर में भी 8 है, परमानेंट भी 8 है हमारे पास। कुछ कंट्री ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें ऑब्जर्वर में लेके आओ, अभी कुछ कंट्रीज ऑब्जर्वर में नहीं है, ऑब्जर्वर में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की है कि ऑब्जर्वर में शामिल होने का, क्या करेगा बच्चों, ऑब्जर्वर में शामिल होने का, है ना, रिक्वेस्ट किए हैं, क्या किए, रिक्वेस्ट किए, जिसमें कुछ कंट्रीज का नाम है, है ना, कुछ कंट्रीज का नाम देख लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, रसिया, रसिया कह रहा है बच्चों कि हमें भी ऑब्जर्वर में शामिल कर लो, और टर्की, टर्की ने भी कहा है हमें ऑब्जर्वर में शामिल कर लो। कारण क्या है, टर्की वगैरह में, टर्की अफगानिस्तान वगैरह में लड़ाई चलता रहता है, पाकिस्तान वगैरह उधर में, ईरान वगैरह में, तो ये चाह रहा है टर्की कि हम भी यहाँ पे अपनी बातों को रख ले। तो याद रखिए बच्चों, एग्जाम में पूछता है किस, कौन दो देशों ने, इनमें से कौन से देश ने देखिए, वहां पे कोई पर्टिकुलर एक कंट्री ऑब्जर्वर से परमानेंट मेंबर भी नहीं ला सकता है, उनकी जब मीटिंग होती है अध्यक्षता, इसको बोलते हैं समिट, उन समिट में सारे कंट्री शामिल होते हैं, फिर वहां पे डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद जनरल सेक्रेटरी उस पर मोहर लगाएंगे, जो सेक्रेटरी जनरल होंगे वो मोहर लगाते हैं, क्लियर। तो यार के बच्चों यहाँ पे क्या होगा, रसिया और टर्की ने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि साउथ एशियन एसोसिएशन में शामिल होने के लिए, है ना, क्लियर। अब देखिए साउथ कोरिया क्यों बोला, जो सैमसंग कंपनी मोबाइल का नाम सुने, सैमसंग कंपनी जो मोबाइल का यूज करते हैं, सबसे बड़ी फायदा सैमसंग कंपनी को कब हुई, सैमसंग कंपनी इंडिया में इतना टॉप पे क्यों आई, सैमसंग कंपनी जो है तब टॉप पे आई जब हुआ क्या, नोकिया जो कंपनी मोबाइल है पहले सिम्बियन आती थी, है ना, तो नोकिया सिम्बियन मतलब बटन वाली मोबाइल, है ना, तो नोकिया को सभी नए नए मार्केट में मोबाइल आने लगे जिन्होंने एंड्रॉइड के सिस्टम को अपनाया, एंड्रॉइड गूगल का है ना, तो यहाँ पे नोकिया ने कहा कि मैं अपना एक अलग सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप करके लुमिया बनाऊंगा, तो नोकिया ने जो वहां पे सॉफ्टवेयर को यूज करने से मना कर दिया एंड्रॉइड का। तो देखिए बच्चों दुनिया में हमेशा चेंज होता है, जो भी प्रकृति का चेंज को अपनाने से ठुकराया है उसका हस्ती बहुत खराब हो गया है, हस्त बहुत खराब हो गया है। तो नोकिया जब खत्म हुई इंडिया से, पहले इंडिया में दो ही चीज चलता था, नोकिया का फोन और एयरटेल का सिम, इसे इकोनॉमी से पढ़ाएंगे आपको। तो नोकिया जब खत्म हुई बच्चों, तो हुआ क्या, नोकिया के चक्कर में सैमसंग को बहुत लोग अपना लिए। अभी के टाइम में देखिएगा मैक्सिमम के घर में आपको सैमसंग से फोन मिलेंगे। तो साउथ कोरिया का कंपनी है बच्चों सैमसंग, और सैमसंग जो है बच्चों अभी नोएडा में बहुत बड़ी सी फैक्ट्री बैठाई है, बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री बैठाई है सैमसंग, है ना, नोएडा में, और मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था। तो जानते हैं बच्चों, क्योंकि इनका काम ही है बच्चों साउथ एशिया एसोसिएशन का, कि फ्री ट्रेड का व्यवस्था को, मतलब ट्रेड की व्यवस्था को हम अपनाएंगे, तो ट्रेड की व्यवस्था के चक्कर में सब आ रहे हैं, ताकि इंडिया जो मेन टारगेट है उनका, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया के बच्चा बच्चा के हाथ में मोबाइल है, इंडिया के सभी मतलब पापा के उम्र के लोगों के हाथ में मोबाइल है, आंटी के उम्र के हाथों में मोबाइल है, बच्चे की उम्र में मोबाइल है, सबको मोबाइल ही चाहिए आज की डेट में, है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है बच्चों। और सबसे बड़ा बात, आजकल बच्चे को जितनी भी मैं देख रहा हूँ युवा जनरेशन है पढ़ने वाले, वो पढ़ाई कम और इंस्टाग्राम पे रील और फेसबुक पे रील बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, है ना, और उस शॉर्ट वीडियो में पॉपुलरिटी पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, किसी भी हद तक। मैं
और 100 हो जाता हूँ। कभी कभी ऐसे ऐसे वीडियो आती है कि 100 हो जाता हूँ, है ना। कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट भी शामिल है उसमें, ऐसा सब वीडियो कि मतलब व्यू के लिए कुछ विद्यार्थी एनीथिंग। तो जानते हैं कि इंडिया को अभी चाहिए मोबाइल बहुत ज्यादा, तो मोबाइल के चक्कर में सब बर्बाद हो रहा है ना। तो ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, ईरान ऑब्जर्वर कंट्री में है, और रशिया और टर्की ऑब्जर्वर का रिक्वेस्ट किए हैं, और 8 हमारे पास परमानेंट है। क्लियर क्लियर बच्चों, ठीक। आगे देख लीजिए और कुछ चीजें। अच्छा बच्चों, इसका फंक्शन देख लीजिए पहले, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करेंगे ये, इनके फंक्शन क्या है। ये एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देंगे, किस पे देंगे, कृषि पे ध्यान देंगे। उसके बाद और किस पे ध्यान देंगे, रूरल डेवलपमेंट पे। किस पे बच्चों, रूरल डेवलपमेंट पे, ग्रामीण विकास पे। फिर किस पे ध्यान देंगे, ये टेली कम्युनिकेशन पे। और बच्चों देखिए, मैक्सिमम मोबाइल जो इंडिया में चल रही है अभी, वो कहाँ के चल रही है बच्चों, मैक्सिमम मोबाइल जो इंडिया में चल रही है वो चाइनीज मोबाइल है। चाहे ओप्पो ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, रेडमी ले लीजिए, रियलमी ले लीजिए, एमआई ले लीजिए, ये जितने कंपनीज है ये सारे चाइनीज कंपनी है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे याद कीजिए, उसमें चाइना का फोन आता था, चाइनीज मोबाइल जो बहुत ज्यादा गाना बहुत तेज आवाज करता था, है ना। तो बाद में उसी कंपनी ने अपने मॉडलाइजेशन को बदला और चाइनीज फोन को ले आया, है ना। जैसे हम लोग इंडियन गवर्नमेंट ने बीच में हल्ला किया था कि चाइना से लड़ाई चल रहा है, तो हम चाइना को बहिष्कार करेंगे और चाइना को किसी भी खेल वगैरह में हम फ्रेंचाइजी नहीं देंगे, चाइना के एड को टीवी में नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन सरकार यह बताने से भूल गई, आज हर एक घर में, जितने भी घर इंडिया में है, हर एक घर में आपको चाइनीज फोन ही मिलेगा, या वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी, जितने भी एमआई हो गया, वन प्लस हो गया, ईच एंड एवरी फोन इज चाइनीज फोन, है ना। तो इस तरह की चीजें है बच्चों, वो खतरनाक है ना। सेशन को लाइक करते रहिए बच्चों, शेयर करते रहिए, इतना इंफॉर्मेटिव क्लास चलता है फिर भी शेयर नहीं करते हैं। उसके बाद मौसम विभाग पे इन्होंने काम करेंगे, मतलब मेट्रोलॉजिकल विभाग पे, मेट्रोलॉजी पे काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हेल्थ एंड पॉपुलेशन पे, हेल्थ एंड पॉपुलेशन पे भी काम करेंगे। इसमें काम करेंगे बच्चों स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण पे, हाँ। चाइना से ट्रेड हुआ है बच्चों, मैं तो देख रहा हूं, खास खास करके मोबाइल, मेरा बस चले तो मैं सब बच्चे का मोबाइल छीन लूं, है ना। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे बच्चों, ये ग्लोबल ट्रेड बेल्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्लोबल ट्रेड, है ना। मतलब आपस में जो है व्यापार के मामला में ये अच्छा काम करेंगे, एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट पे, मतलब ग्रामीण विकास पे, टेली कम्युनिकेशन पे, इसी वजह टेली कम्युनिकेशन पे अगर आएंगे इंडिया में। जैसे अभी अभी चाइना की कंपनी है, जैसे अभी एक और ट्रेंड चला बच्चों एलईडी टीवी की, है ना। हर एक लोगों को जो है एक एक कंपनी एड चलाई थी, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, सुनिए बच्चों, एक एड चला था, तो बहुत सारे अंकल ने अपने टीवी को बदल दिया उस एड को देख के। नहीं शर्म, मतलब पापा अगर एड देख रहे हैं तो पापा को एड दिख गया, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, पापा अपने बेटा को देखते हैं, बेटा पापा देखता है, पापा बोलते चलो बेटा आज खरीदते हैं क्या, है ना, आज क्या खरीदते हैं हम लोग, एलईडी टीवी। तो एलईडी टीवी में भी चाइनीज कंपनी घुस गई है बच्चों, एक चाइना की कंपनी। अभी मोदी जी को रिक्वेस्ट किए थे कि आप डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और एलईडी टीवी जो चाइना से एक्सपोर्ट होकर आती है बच्चों, वो क्या होती है बच्चों, वो बहुत सस्ती होती है ना, हमारे तरफ बहुत, हमारा जो इंडिया का टीवी होता है महंगा होता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एलईडी टीवी पर टैक्स कम कर दीजिए इम्पोर्ट का। ठीक, तो वही तो बात है, कोई ऑप्शन नहीं बच्चों, मैं मोबाइल छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, क्योंकि इंडिया में सरकार वैसी लेबर इनपुट दी नहीं है, है ना, लोग ऐसा कर नहीं रहे। अभी आप ही लोग मेरा क्लास कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों के पास चाइनीज फोन होगा, ये गारंटी है, नहीं इवन बच्चों अभी अभी इंडिया में एडी टैक, एडी टैक जो है बच्चों, मतलब कि एजुकेशनल कंपनीज जो है बहुत आगे चल रही है ना। तो एजुकेशनल कंपनीज जो ऑनलाइन क्लासेस दे रही है, उसके लिए पेन टैब का इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, मैं लिख रहा हूं पढ़ा रहा हूं, मतलब वो भी जान गया चाइना, चाइना मतलब चाइनीज कंपनी का, ये मुझे अच्छा लगता है ना कि वो देखती है, ऑब्जर्व करती है कि क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में,
और उस रिक्वायरमेंट पे वो काम करती है, लेकिन इंडियन कंपनी के पास पैसे की कमी है, वो ध्यान नहीं देती है। मुझे अभी सबसे अच्छा एक लगा है ओला कंपनी, है ना, ओला एक अच्छा काम करी है कि ई ई स्कूटी है ना, 499 रुपये में वो ई स्कूटी, जिसको भी स्कूटी खरीदना है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ओला एक कंपनी है जो ई स्कूटी बना रही है, 499 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना। तो अब ओला एक कंपनी आई जो कि ये काम कर रही है, तो इंडिया में इसीलिए नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा अनुष्का सिंह के पास कोरियन फोन है ना, कुछ दिनों में चाइनीज भी हो सकता है, क्लियर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मतलब चाइना काम करती है, हमारे इंडियन काम यहाँ पे कर राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसी में देश बर्बाद है हमारा, है ना, पढ़ाई लिखाई 22.5 सबका। अगला अगला सुनिए बच्चों, दोनों बात कि फाउंडेशन वर्ल्ड ढाका में, सेक्रेटेरिएट कहाँ थे बच्चों, वहां पे, है ना। अगला सुनिए बच्चों ध्यान से, कुछ पॉइंट और सुन लीजिए। देखिए अगला, अभी जो लीडर्स हैं इसके, वो लीडर्स का नाम सुन लीजिए, कौन कौन लीडर्स हैं। तो अभी जो अफगानिस्तान से बच्चों, वो प्रेसिडेंट अशरफ घानी, कौन है बच्चों, अफगानिस्तान से जो लीडर है किसके, सार्स के, है ना, सार्स का लीडर का नाम बता रहा हूं, साउथ एशिया से। तो अफगानिस्तान से कौन है, प्रेसिडेंट अशरफ घानी। अगर बांग्लादेश से बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, है ना। उसके बाद भूटान से बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर लोटिया शेरिंग, है ना। उसके बाद हमारे देश से हमारे हीरो हैं नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद मालदीव से हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, है ना। उसके बाद नेपाल से प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर द्योबा, है ना, शेर बहादुर द्योबा कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है। पाकिस्तान से इमरान खान, है ना, और श्रीलंका से प्रेसिडेंट गोटाभाई राजपक्षा, है ना, गोटाभाई राजपक्षा। तो ये है 8 लोग, ये लोग 8ों लोग अभी सार्स के सदस्य हैं, ये लोग लीड करते हैं, क्लियर। अशरफ घानी, शेख हसीना, लोतिया शेरिंग, नरेंद्र मोदी, इब्राहिम मोहम्मद सोली, शेर बहादुर द्यूबा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और गोटाभाई राजपक्षा, क्लियर। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्स कब कब कौन कौन सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, तो आपको दो तो याद रखना ही रखना है। जैसे अभी टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसाला रुवान वेरकून, कौन है बच्चों, अगर पूछेगा हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्स, सार्स के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है, मैं जूम कर देता हूं, देख लीजिए, ठीक है बच्चों, तो इसाला रुवान वेरकून, ये कहां के, श्रीलंका के है। अगर पूछे हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्स, क्या बोलेंगे बच्चों, इसाला रुवान वेरकून, है ना। अगर पूछे भारत कब कब रहा है इसका सेक्रेटरी जनरल, तो भारत से रहे बच्चों 1989 में रहे कौन, कांत किशोर भार्गवा इंडिया से रहे। उसके बाद रहे कौन, सीलकांत शर्मा 2008 में। तो भारत से केवल दो बार रहा है, एक कब रहा है बच्चों 1989 में, और दूसरा रहे कब, दूसरा रहे कब बच्चों सेक्रेटरी 2008 में। दो ही बार भारत को इसका सेक्रेटरी रहने का मौका मिला है, जी याद रखिए, याद रखिए बच्चों, है ना, दोनों पॉइंट, ये दो पॉइंट, और प्रेजेंट में कौन है और पहले कौन थे, ये चार पॉइंट आपको याद रखना है। पहले जो थे वो थे अब्दुल अहसान, कहां के थे बच्चों, बांग्लादेश के, अब्दुल अहसान जो थे बांग्लादेश के थे। भारत जो रहा है उसके बाद 1989 में कांत किशोर भार्गवा, क्लियर। और भारत दूसरे बार कब रहा है, सीलकांत शर्मा रहे हैं इंडिया के, भार्गवा जी और सीलकांत शर्मा रहे हैं, है ना। उसके बाद अभी के टाइम में इसाला रुवान वेरकून, ये कहां के, श्रीलंका के। देखिए जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, जनरल सेक्रेटरी किसी को बनाया जाता है ना, क्लियर। अगला बच्चों करेंट लीडर, अगर करेंट लीडर पूछेंगे तो इसके लीडर कौन है, अफगानिस्तान से कौन है, अफगानिस्तान से अशरफ घानी बता चुके हैं बच्चों, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, प्रेसिडेंट होंगे। बांग्लादेश से अब्दुल हमीद प्रेसिडेंट है वहां के, और शेख हसीना, देखिए हेड ऑफ द स्टेट, राज के प्रतिनिधि करते हैं राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, दोनों होते हैं वहां पे। भूटान के किंग, वहां राजा चलता है बच्चों, किंग जिग्मे खेसर नामगायल वाकचुक, है ना, और वहां के प्राइम मिनिस्टर है लोतिया शेरिंग। इंडिया के रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेपाल के विद्या देवी भंडारी, वहां के प्रेसिडेंट है बच्चों विद्या देवी भंडारी और शेर बहादुर द्योबा। पाकिस्तान के आरिफ अलवी और इमरान खान, वहां के कौन है, प्राइम मिनिस्टर है ना। श्रीलंका के कौन है, गोटाभाई राजपक्षे और मिंडिका राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे बच्चों, पहले महिंदा राजपक्षे हुआ करते थे, वो क्या बोलते प्राइम गोटाभाई राजपक्षे जो पहले बच्चों प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करते थे,
क्लियर। ये रिप्रेजेंटेशन है वही बताए जो आपको। क्लियर, अगला समिट देख लीजिए। पहला समिट जो हुआ था बच्चों इनका, ये हुआ था बांग्लादेश से, बता चुके हैं बच्चों। फर्स्ट समिट बांग्लादेश ढाका में हुआ था, आतुर रहमान खान इसके सपोर्ट किए थे, ये मतलब होस्ट किए थे। क्लियर, उसके बाद इंडिया में कब कब हुआ पहले सुनिए, अभी कहाँ हुआ बच्चों, रिसेंटली 2016 में हुआ है, कहाँ, पाकिस्तान में, कहाँ बच्चों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था। यही वाला कैंसिल हुआ था बच्चों, जब इंडिया पे अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हम लोग साथ नहीं देंगे इस बार, पाकिस्तान दोनों कोई नहीं जाएगा, तो सारे कंट्रीज ने हमें सपोर्ट किया था, जितने भी SAARC के कंट्रीज हैं। तो पाकिस्तान इस्लामाबाद 2016 में, और 2020 कब होगा, कहाँ होगा, ये अभी गोपनीय है ना, अनाउंसमेंट नहीं हुई है। क्लियर, हाँ दोनों भाई थे, गोटा भाई भाई। क्लियर, एक चीज और देख लीजिए बच्चों, इंडिया इसका प्रतिनिधित्व कब कब किया है वो भी देख लीजिए बच्चों, इंडिया कब इसका प्रतिनिधित्व किया है, इंडिया जो है कितने बार होस्ट किया है, इंडिया जो होस्ट किया बच्चों, एक तो किया है कब, 1986 में, है ना, 1986 में इंडिया ने होस्ट किया है। फिर इंडिया ने होस्ट कब किया है, 1995 में न्यू दिल्ली में, है ना, और ये पहला वाला जो 1986 में किया था वो बेंगलुरु में। फिर उसके बाद कब किया है बच्चों, उसके बाद किया 2007 में इंडिया न्यू दिल्ली में, तो दो न्यू दिल्ली हो गया। उसके बाद इंडिया ने किया नहीं है इसके बाद, और चांसेस है कि इंडिया इस बार बन सकता है। क्लियर, तो इंडिया ने कब कब प्रतिनिधित्व किया है, 1986 में, और उसके बाद दूसरा प्रतिनिधित्व कब किया है, 1995 में, और तीसरा कब किया बच्चों, तीसरा कब किया, 2007 में। क्लियर, और 20वां जो है शायद ये वीडियो कॉल के थ्रू हो चुका है, वह कंफर्मेशन कर लीजिएगा। ठीक, देखिए बच्चों ये 18 वाला सात समिट जो हुआ था, है ना, काठमांडू नेपाल में हुआ था, देखिए 18 वाला है, 2014 में हुआ था, जिसमें हमारे हीरो भी गए थे। देखिए बच्चों ना, ये हमारे हीरो साहब है, नहीं पेट्रोल का दाम बढ़ गया है हीरो जी, थोड़ा कुछ कीजिए। ठीक, लोगों की सैलरी कम है, सब चीजें दाम बढ़ रही है, या तो सबका सैलरी को दुगना करवा दीजिए, या तो पेट्रोल और डीजल का दाम कम करवाइए, कितना टैक्स वसूलेंगे। क्लियर, अगला अगला सुन लीजिए, देखिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हुआ था सात सबमिट, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू होता है बच्चों, तो एक फायदा होता है स्टूडेंट को, क्या फायदा होता है कि ये नहीं पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि इस बार सात समिट कहाँ हुआ था, है ना, ये मजा आता है मुझे फिर, है ना, ये मजा आता है फिर। अगला एक चीज और सुन ली बच्चों, इसके अलावा सास क्या करता है बच्चों, इसके अलावा सास तीन काम और करती है, सास अवार्ड देती है, ये थोड़ा एक्सेप्शन क्वेश्चन है बच्चों, यही सब पॉइंट जो लिखता है बच्चों सीबीएस के पेपर मेंस में उसी को पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट सुनिए ध्यान से, है ना, बेरोजगारी है बिहार में बहुत खतरनाक, है ना, ऊपर से बिहार दरोगा का एग्जाम डेट इतना बढ़ा दिए कि और सब माफिया लोग जुड़ जाएंगे, अब माफिया लोग है ना मार्केट में। तो सुनिए बच्चों, सार्स ये क्या करती है, सार्स जो है बच्चों कुछ काम करती है, पहला क्या करती है, ये सार्स अवार्ड देती है, क्या देती है बच्चों, सार्स अवार्ड। क्लियर, किसको देती है अवार्ड, जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अच्छा काम करे, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। क्लियर, चाइल्ड के विकास के लिए, वाइल्ड डेवलपमेंट, यही पॉइंट बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक बहुत अच्छे हैं मेरे जानने वाले जीओ जो सिविल्स का पेपर चेक करते हैं, वो मुझे बता रहे थे कि एक बार SAARC पे लिखने आया था, है ना, जब SAARC पे लिखने आया तो सभी बच्चे ने लिखा इसका फाउंडेशन सेक्रेटरी कौन है, इंडिया कब होस्ट किया, है ना, कब कहाँ क्या हुआ, लेकिन कोई यह पॉइंट नहीं लिखा SAARC अवार्ड भी देती है, तो SAARC अवार्ड भी देती है, जो यह पॉइंट लिखा था उसको एक्स्ट्रा नंबर मिला बच्चों, है ना, उसी का कट ऑफ लिस्ट में आता है। SAARC अवार्ड जो है तीन तरह के अवार्ड देती है, पहला अवार्ड का नाम है SAARC अवार्ड, क्यों देती है, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, उसके बाद शांति के लिए, उसके बाद पॉवर्टी गरीबी को हटाने के लिए, है ना, उसके बाद एनवायरमेंटल के लिए, ETC, इन सभी चीजों में जो काम करेगा उनको ये क्या करते हैं, अवार्ड देते हैं SAARC अवार्ड। क्लियर बच्चों, और सुन लीजिएगा ध्यान से, SAARC अवार्ड अभी तक केवल एक बार दिया गया है, एक बार दिया गया है, कब, 2007 में। सुनिए बच्चों, SAARC अवार्ड अभी तक जो दिया गया है केवल एक बार, ये सॉरी 2004 में, इसकी स्थापना बच्चों 2004 में हुई थी। क्लियर, ठीक बच्चों, और ये अभी तक एक बार केवल दिया गया है, वो दिया गया है प्रेसिडेंट, इसको दिया गया प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, जियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश।
अभी तक केवल एक बार दिया गया है, 2007 में प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश को। तो यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सार्स अवार्ड जो है यह केवल एक लोगों को अभी तक दिया गया है, प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश, है ना। इसके बाद किसी को भी नहीं दिया गया है ना दिया गया है। क्या क्या मिलेगा जो जीतेगा, तो उसको मिलेगा बच्चों, जो जीतेगा उसको कुछ मिलता है, क्या क्या मिलता है सुन लीजिए, जो जीतेगा उसको मिलेगा क्या, एक गोल्ड मेडल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, एक गोल्ड मेडल मिलेगा, प्लस 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 $25,000 मिलेगा। कितना, $25,000 मिलेगा, प्लस प्लस और क्या मिलेगा बच्चों इनको, एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, लेटर ऑफ सर्टिफिकेट, लेटर मिलेगा। क्लियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही सब पॉइंट एग्जाम में क्रैक करवाता है आपको। एग्जाम में पूछेगा कि सार्स अवार्ड कब कब स्थापना की गई, सार्स अवार्ड की स्थापना 2004 में की गई। अभी तक सार्स अवार्ड केवल एक लोगों को मिला है, जियाउर रहमान। जियाउर रहमान प्रेसिडेंट थे कहाँ के, बांग्लादेश के, उनको मिला है ना। क्यों दिया जाता है बच्चों, वीमेन के लिए, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, शांति के अवार्ड के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, एनवायरमेंट के लिए, है ना। गोल्ड मेडल मिलती है $25,000 और एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया मिलता है। क्लियर, एक सुनिएगा और ध्यान से, एक एक और अवार्ड मिला है, दूसरा अवार्ड। दूसरा अवार्ड जो मिलता है बच्चों ये क्यों मिला है, एक और देता है सार्स लिटरेरी अवार्ड। क्या देता है बच्चों, सार्स एक और अवार्ड देता है, सार्स लिटरेरी, है ना, अवार्ड, मतलब जो साहित्य में अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। और तीसरा एक और अवार्ड है, सार्स यूथ अवार्ड, सार्स यूथ अवार्ड। और याद के बच्चों बताए थे आपको, इंडियन कांग्रेस साइंस, है ना, एसोसिएशन ने बताया था, ICSA, बताया बच्चों ना, ICSA, इंडियन साइंस कांग्रेस, ये इंडियन कांग्रेस साइंस एसोसिएशन जब बताए थे, तो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो है वो भी स्थापना किए थे बच्चों, यूथ अवार्ड का बताए थे बच्चों, वो भी यूथ अवार्ड की स्थापना किए थे, है ना। तो दो अवार्ड और देते हैं, सास लिटरेरी अवार्ड, जो लिखने पढ़ने में अच्छा होंगे उनको लिटरेरी अवार्ड दिया जाता है, और जो क्या होते हैं एक यूथ, युवाओं को भी इन अवार्ड मिलता है। तो इंडियन कांग्रेस साइंस एसोसिएशन ने भी यूथ अवार्ड स्थापना किया था, और सास ने भी यूथ अवार्ड, ये दोनों किसको मिला है इसके बारे में पढ़िए जाके, ठीक। इतना अब ज्यादा याद भी नहीं कर पाएंगे, तो वो याद रखिएगा कि सास अवार्ड किसको मिला है। क्लियर बच्चों, तो देखिए बच्चों कितना अच्छा एक मैप बताता हूं मैं आपको, देखिए देखिए ये वाला हम लोग पढ़े अभी, सार्स पढ़े बच्चों ना, सार्स में हम लोग देखे अभी, सार्स में कंट्रीज का नाम देखे, है ना, ये सार्स है। क्लियर बच्चों, उसके बाद हम लोग बिमस्टेक पढ़े, बिमस्टेक कल ही पढ़े, 8 कंट्री, है ना। उसके बाद हम लोग एशियान पढ़ लिए, तो ये तीनों कंट्री हम लोग पढ़ लिए बच्चों, और ये भी पढ़ लिया SCO, ये भी हम लोग पढ़ लिए है कि बच्चों। देखिए इसमें कुछ कॉमन्स है, जैसे आप देख लीजिए बच्चों ध्यान से, सार्स में भी भारत है, बिमस्टेक में भी भारत है, और SCO में भारत है, लेकिन आसियान में भारत है नहीं है। देख बच्चों ना, आसियान में भारत नहीं है, क्लियर। ये बहुत खतरनाक मैप है बच्चों, तो इस टाइप का चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, सास भी पढ़ चुके हैं, बिमस्टैक भी पढ़ चुके हैं। हाँ, याद करने के लिए बहुत अच्छा है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्लीज टेक इन स्क्रीनशॉट। लेकिन झंडा याद होना चाहिए तब होगा। देखिए आप लोग इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, और आप कंट्रीज का नाम लिख दिया, जैसे यहाँ लिख देंगे पाकिस्तान, साइड में यहाँ लिख देंगे बांग्लादेश, यहाँ लिख देंगे भूटान, यहाँ लिख देंगे नेपाल, यहाँ लिख देंगे श्रीलंका, यहाँ लिख देंगे इंडिया। क्लियर, तो पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, और ये हो गया हमारा इंडिया। एशियन में इंडिया नहीं था, है ना, तो वो भी शामिल हो गया। SCO में इंडिया था, है ना, था ना बच्चों, तो ये लिख लीजिएगा हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो ये था बच्चों हमारा आसियान, और आज शाम भी जो पढ़ाएंगे बच्चों आपको ये सास, आज हम लोग सास पढ़ लिए, आसियान भी पढ़ लिए, G20 समिट भी पढ़ लिए, आज शाम में 7 बजे पढ़ाएंगे जनहित याचिका, PIL, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपी दरोगा भरे हैं, UPSI का जो भी एग्जाम भरे हैं उनके एग्जाम में खूब क्वेश्चन आया था। मैं सेट करवाया था UPSI का, और देखे थे बच्चों वहां PIL से बहुत क्वेश्चन आता था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। ये हम लोग पढ़ेंगे टुमारो,
बच्चों एक बात सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी सबमिट पढ़ा रहा हो वो सबमिट कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे भी याद करने में कभी कभी कंफ्यूज होता है। साफ साफ मैं झूठ क्यों बोलूंगा कि ब्रिलियंट हूँ, क्यों? क्योंकि कंट्रीज कभी कभी कंफ्यूज आता है। ये एक ही तरीका है कि आप पढ़ते रहे, रिवाइज पूरे सप्ताह का पढ़ाई को संडे को रिवाइज करें और लिखे बच्चों। एक बार लिखने का डाल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक चार्ट पेपर बनाइए, चार्ट पेपर यहाँ पे लिख लीजिए आसियान, यहाँ पे लिख लिए सार्स, यहाँ पे लिख लिए बिमस्टेक, और यहाँ कंट्रीज का नाम लिखिए, है ना। और यहाँ पे बनाइए बच्चों कंट्री कौन कौन शामिल है चार्ट में। यहाँ लिख लीजिए कंट्री, फिर यहाँ लिख लीजिए एस्टेब्लिशमेंट ईयर, फिर यहाँ पे लिख लीजिए ऑब्जर्वर, फिर यहाँ पे लिख लीजिए कुछ मतलब इसके सेक्रेटरी कौन है, और यहाँ पे सारे कंट्री का नाम लिख लीजिए कंट्री, फिर यहाँ पे लिखिए एस्टेब्लिशमेंट ईयर, फिर यहाँ पे लिखिए, और ये चार्ट को चिपका दीजिए रूम में कहीं पे। क्लियर? है ना, एक बड़ा सा चार्ट पेपर मिलता है, चार्ट पेपर में और कुछ चिपका दीजिए। सो के उठिए और सोने के पहले और जगने के बाद आप हमेशा क्या कीजिए, उसे देखते रहिए और स्पेस दे के बनाइएगा, स्पेस दे के, ताकि कभी कोई कंट्री को जोड़ना पड़े तो जोड़ सके, कभी किसी कंट्री को हटाना पड़े तो उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक बच्चों, ये तरीका है पढ़ने का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए बच्चों। और शाम में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ना, उसमें पढ़ेंगे। और एक बच्चे को कम से कम शेयर कीजिए कि सर करते हैं भाई, आ जाओ कनेक्ट हो जाओ पढ़ लो, है ना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज करते रहिए और खुश रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर 24/7 चैनल। Also download at a 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe at a 24/7 channel.